हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? देखो, आज हम आ चुके हैं अपने एपिसोड 3 में। आप लोग ठीक होंगे बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। और कैसा रहा आपका दिन आज का? पहले वाला व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, उसके अंदर हमने दिखाया था लास्ट हम इस बोटिंग एरिया में आ चुके थे। हमने अपना पूरी एक बोट थी, स्पीड बोट, वो हमने हायर की। हायर करने के बाद उसने हमसे कहा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा दो बंदों का, और हमने कहा नहीं भाई, हम थोड़ा तो एक्स्ट्रा ले ले जो भी तेरे को लेने, लेकिन हम जाएंगे अपनी ही फैमिली और कोई नहीं जाएगा। फिर भी वो मान गया था हमारी बात, हमें साथ लेकर अपने साथ चल दिया। अब उसने क्या किया, पहले हमें लाइफ जैकेट पहनाई, उसके बाद सभी को इसने थोड़ा बहुत हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे बैठना है, वैसे करना है, ये सब। तो उसने बोला कि 15 मिनट वाली करनी है कि आधे घंटे वाली। हमने कहा भाई आधे घंटे वाली करनी है हमें, तो आधे घंटे वाली में क्या होता है, फ्लोटिंग हट्स तक लेकर जाता है, और 15 मिनट वाली में वहीं थोड़ा सा घुमा के अपना 5-10 मिनट 15 मिनट रुक के आ जाता है वापस, उसमें कुछ इतना खास इन्जॉय आता नहीं है। हमने कहा नहीं भाई 15 मिनट वाली करवाओ, वो आधे घंटे वाली कराओ, उसमें हम इन्जॉय लेंगे। तो अब जैसे ही हम बैठे तो देखो, हमने तो बैठते ही सबसे पहले तो क्या नाम है, हमारी बेटी ये थोड़ा सा डरने लगी कि पापा पानी पानी पानी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसको ट्राई करो। फिर इसमें जो है मम्मी और छोटी वाली बहन तो आई नहीं थी, इन्होंने हम ही को भेज दिया, छोटा वाला भाई, मैं और प्रिया, हम तीनों साथ आ गए। कोई बात नहीं। अब देखो, मैं आपको इसके बारे में, इस टहरी डैम के बारे में बताता हूँ। ऐसा हुआ था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, इस पानी के अंदर ये 1.5 किलोमीटर गहरा है, और इसके अंदर 234 गांव इसके अंदर डूबे हुए हैं, जिसके अंदर की क्लॉक टावर, घंटाघर वगैरह ये सब दिखता है। अब ये क्या हुआ था, जब उस टाइम पे डैम बन रहा था तो सारा गांव खाली करा दिया था, सबको सरकार ने, गवर्नमेंट ने मुआवजा दे दिया कि भाई जिसको जहाँ रहना है वहाँ रह लो, और लोग बागों ने फिर न्यू टहरी करके एक गांव बसा लिया। और पता क्या है, ये ना वर्ल्ड के टॉप टेन लिस्ट के अंदर आता है, टॉलेस्ट डैम के अंदर। सबसे बढ़िया, सबसे ख़ास बात इसकी ये है। और ये देखो व्यू, देखो आप कितना शानदार नज़ारा मिल रहा है। मतलब ये एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पर आकर ही मिलेगा, फ़ोन या वीडियोज़ में देख कर ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये देखो, ये सारे के सारे सभी घर, ये फ्लोटिंग हट्स हैं, सब इतनी शानदार हैं, पानी के बीचों बीच बनी हुई है। मैं आपको खुद देखो आप इसको, मैं इसके बारे में बता ही नहीं सकता आपको क्या चीज़ है। ये देखो, ये हमारा छोटा भाई है शिवम वर्मा, ये फुल इन्जॉय ले रहा है पूरी वादियों के। इसने तो पता नहीं कितनी वीडियो बनवा हमारी अपनी, देख देख के बार बार कहे हमारी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। ये देखो, इसके जस्ट पीछे ये सारा पूरा का पूरा आपका फ्लोटिंग हट्स है यहाँ का। ये ऑनलाइन चार्जेस इस टाइम जो प्राइस चल रहे हैं 22,000 पर नाइट के चले हुए हैं, हो रखे हैं। अब ये क्या होता है, ये ऑनलाइन बुक करने पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा तो भाई यहाँ मज़ा भाई रात को आने में, रात को आप आओगे तो बहुत ही अलग ही अल्टीमेट व्यू रहेगा यहाँ का, नज़ारा इतना खास होगा कि मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से वापस चले जाएँ। लेकिन रात के टाइम क्या होता है, सिर्फ वही लोग रुक पाते हैं जिन्होंने इसके अंदर रूम लिया होता है। अब वो स्टे करते हैं तो उन्हीं को ही अथॉरिटी होती है कि अभी रात को रुकने के लिए, बाकी नहीं तो ये सब 6-6:30 बजे के बाद तो बोटिंग ही बंद हो जाती है। ये एक फ्लाई ओवर है आपके सामने, ये इसके अंदर पूरी में ये लाइटिंग ही लाइटिंग हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल तिरंगा बन जाता है लड़ी वड़ी लगा के, इस टाइप का इसका व्यू आता है रात को नाइट में, बहुत सुंदर लगता है ये। और यहाँ पर क्या है, एक बोट होती है, रात को आप उसमें डिनर भी कर सकते हो, पूरा म्यूज़िक चलता है, कैसीनो चलता है, इन्जॉय होता है, डीजे वीजे सब बजता है, सब प्ले होता है, और डांस गाना वगैरह अपना बहुत मज़ा आता है इन्जॉय करने के लिए। लेकिन होता यह है ना कि जो भी फ्लोटिंग हट्स को बुक करेगा सिर्फ उसी के लिए वो अवेलेबल है वो पार्टी। एक क्रूज टाइप का है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसी में बैठ कर अपना डिनर होता है, रात को थोड़ा डीजे वीजे यही सब, थोड़ी सी मस्ती हो जाती है और कुछ नहीं है बस। बाकी अब देखो, अब हम वापसी के लिए चल चुके हैं। ये सीधा उसने हमसे आगे जाने के लिए भी पूछा था कि भैया थोड़ा सा आगे चलोगे क्या। मैंने हमने पूछा भाई आगे क्या है, तो कहने लगा आगे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पानी है, ये सब ही है। मैंने चलो कोई नहीं, अब आगे रहने दो, रिटर्न ले लीजिए। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा वहाँ रुक गए थे फ्लोटिंग हट्स पर, वहाँ रुके। अब देखो ये आपके सामने, ये जो ये एक आइलैंड है यहाँ पर, ये 150 फीट नीचे गया हुआ है, और कभी भी ये इसके लेवल 100 फीट ऊपर हो जाता है पानी, कभी भी बढ़ जाता है कभी भी लो हो जाता है। यहाँ पर भी रुकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, अपना लोग वहाँ कैंपिंग कर लेते हैं, जो भी फ्लोटिंग हट्स में आते हैं रुकने के लिए वो करते हैं इसके अंदर। ये भी एक आइलैंड की तरह बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मौसम कितना अच्छा हो रखा है, बहुत शानदार व्यू है, मैं बता ही नहीं सकता आपको क्या इसको, मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आपको आकर ही पता चलेगा।
भाइयों, अब हम लास्ट एंड पॉइंट पर आ चुके हैं। हमारी यहीं पर ये ब्लॉगिंग ख़त्म होती है, सारी हमारी ट्रिप टैरी डैम की पूरी ओवर होती है। आपको अगर ये पूरा टूर हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको हमारा बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मिलते हैं आपको आगे की नई जर्नी में, नए ब्लॉग में। जो भी नया हम कहीं टूर पर जाएंगे वो हम डालेंगे, आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।